फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड प्लाजा विद मी अन्नू। ये मैंने आज फ्रूट केक बनाया है बच्चों के लिए। ये हेल्दी भी रहता है, मार्केट से अच्छा रहता है। मार्केट में डिफरेंट टाइप की अनहाइजीनिक चीज़ें डालते हैं, इसमें सब मैंने प्योर चीज़ें डाली हुई हैं। कोई भी फूड कलर वगैरह यूज़ नहीं किया हुआ है। फ्लेवर के लिए मैंने वनीला एसेंस लिया हुआ है। तो चलिए सिखाते हैं इसको। सबसे पहले मैं ये दूध मैंने गरम करके रखा हुआ है, इसमें मैं थोड़ा सा सिरका ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके हमको डालना है इसमें और इसको चला लेना है अच्छे से। तब तक चलाना है जब तक कि फट ना जाए। हल्के हाथों से हल्के हाथों से चलाते रहना। ये देखिए फट रहा है धीरे धीरे। हमको मार्केट का केक ना खाकर घर में ही बना लेना चाहिए बच्चों का। वो हाइजीनिक होता है प्लस हेल्दी भी होता है। थोड़ा और डाल देते हैं इसमें। जब तक फट ना जाए तब तक इसको चलाते रहना। तब तक हम बाउल में चीनी पाउडर, अभी थोड़ी चीनी लेंगे और रिफाइंड ऑयल ले लेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से पीट लेंगे। अब इसमें हम अपना फ्लोर मैदे का लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा दूध डाल देंगे। अब ये देखिए पूरी तरह से फट चुका है। धीरे धीरे इसको ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लम्स नहीं पड़ने चाहिए। अब इसमें 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा,
उसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आपको जिस भी फ्लेवर का केक बनाना है वो ऐड कर देंगे। इसमें हम वनीला बनाते हैं तो वनीला ऐड करते हैं। वनीला का हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स कर देंगे। ये हम फ्रूट केक बना रहे हैं, बच्चों को जो बहुत पसंद है। ये देखिए बिल्कुल सही से विदाउट लम्स बन गया है। अगर इसको आप और सॉफ्ट करना चाहते तो इसमें दूध डाल के थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकती हैं। दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए विदाउट लम्स कितना अच्छा हो गया। बस ऐसे ही कंसिस्टेंसी हमको इसकी रखनी है। ये मैंने तैयार कर लिया है। आपके पास कोई भी बर्तन हो उसको यूज़ कर सकती हैं। मैंने इसको बटर से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसको इसमें ऐड करते हैं। ये देखिए अब इसमें हम थोड़ी सी चेरीज ऐड कर देंगे। मैंने मिक्स ली है, आपको जो मिले मार्केट में सारी आराम से मिल जाती हैं मार्केट में किसी भी शॉप पर। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी और खाने में भी। मार्केट से हेल्दी होता है। थोड़े से इसकी डेकोरेशन कर देते हैं। देखने में अच्छा लगता है तो बच्चे बहुत अच्छे तरह से खाते हैं। ये मैंने पैन में नमक डाल के पहले से ही रखा हुआ है। इसको टेम्परेचर में ले आई हूँ। ये मैं स्टैंड लगा देती हूँ और इसको रख देते हैं। इसे कवर कर देंगे। इसे 40 से 45 मिनट बाद, बीच बीच में हम लोगों को खोल के देखना है, लेकिन 40 से 45 मिनट पकने में लग जाएगा इसको। आइए चेक करके देखते हैं। ये पेन ले लेना है। ऐसे पक गया है। अभी इधर का थोड़ा सा रह गया तो थोड़ी देर और रहने देते हैं। आइए चेक करें। ये देखिए पक गया है। पकने की पहचान ही ये होती है कि स्टिक में जरा सा भी ना लगे रहे। तो आइए इसको निकाल लेते हैं। गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको साइड से हल्का सा रिमूव कर लेते हैं ताकि ये इजी निकल आए। ये देखिए बिल्कुल साफ तरीके से निकल आया। इसका फॉइल हटा देते हैं। ये देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं कितना स्पंजी बनाएंगे। ये देखिए कितना स्पंजी मैं दबा रही हूँ, आपको दिखा रहे हैं। आइए इसको कट करते हैं। ये मैंने चॉकलेट मेल्ट कर ली। इसका मैं एक लेयर इसमें लगा दूँगी ताकि इससे थोड़ा सा और अच्छा लगे, खाने में टेस्ट बढ़ जाए। बच्चों को वैसे ही पसंद आता है। इसकी एक लेयर लगा देंगे हम। ये लगा दिया मैंने। अब इसका फर्स्ट पार्ट इस पे रख देंगे। ये देखिए थोड़ा सा चाहें तो इस पे और लगा दें।
ऊपर से, पता जरूरत नहीं है, ये मैंने रख दिया। ये देखिए बीच में चॉकलेट का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा इससे। आइए मैं कट करके दिखाती हूँ। स्पंजी देखिए कितना बना है। ये देखिए स्पंजी आप खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पंजी है। तो बन गया ना टेस्टी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको खूब सारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये देखिए स्पंजी फ्रूट केक कढ़ाई में बनाना। ये देखिए स्पंजी आप देख सकते हैं, इसमें मैंने चॉकलेट की लेयर दी हुई है। तो आइए आपको सिखाते हैं कैसे बनाया जाता है।